हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। घर पर रहिए, ठीक है? मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। आपका कहीं से कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जो भी दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा 100%, ठीक है? जो भी आपको दिक्कत हो सवाल बनाने में या एक्सरसाइज बनाने में, चाहे आपके पास जो भी बुक हो, उस सवाल को आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए 84096-93-287। इस व्हाट्सएप नंबर पर फिर से सुन लीजिए 84096-93-287। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, आपके प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाए, ठीक है? हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर कोचिंग कब खुलेगा, ठीक है? तो इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है? तो आप इसके बारे में मत घबराइए, जब खुलना होगा तो आपके समय से खुलेगा, आपको पता चल जाएगा और हम आपको बता देंगे, ठीक है? जब खुलेगा तब वहाँ से आपका ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप ही ऑनलाइन का मजा उठाइए, मौका को आप एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और उसे लड़िए, ताकि आपका आने वाला भविष्य क्या हो, आपके अत्यधिक बेनिफिट रहे। हो सकता है क्या निश्चित किया गया है कि सिलेबस को कम किया जाएगा, लेकिन आपको हम पढ़ाएंगे पूरा, समझ रहे? आप अभी से पूरा पढ़ते रहिए, समझे? आपको क्या है नंबर तो जो वहाँ से पूछेगा उतना पढ़ा के आपको आ जाएगा ऑफलाइन से भी, समझे? आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, इसलिए आप क्या कीजिए, आप अपना पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से शुरू करके रखिए, ताकि आपको नॉलेज में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि नॉलेज है आपके पास तो कभी भी 2 साल के बाद भी आप क्या है कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए इसके साथ आप मिलते हैं हम आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन जो आपके बुक में चल रहा है अभी। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके कैसे से ना के 5 पॉइंट बुक का 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो शॉर्ट है, दिखाइए कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको प्रूफ करना है। शॉर्ट है, दिखाइए कि ए बराबर दिया गया है ए स्क्वायर बराबर cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। तो यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए। इससे तो हम सोल्यूशन करेंगे 10 नंबर 5.2 का। तो यहाँ हो जाएगा आपका सोल्यूशन में, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेयर लिखते हैं। हेयर मतलब जो दिया गया बात रहता है उसको हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं। कह रहा है कि हेयर ए बराबर ये क्या है, मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स है, क्या है ध्यान से देखिएगा, क्या है, कह रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर उसके बाद है माइनस साइन अल्फा, फिर आपका कॉस अल्फा, ठीक है? उसके बाद कह रहा है शॉर्ट है, दिखाइए कि आपको दिखाना है क्या, ए स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है। ए स्क्वायर बराबर प्रूफ क्या करना है, देख लीजिए कॉस टू अल्फा, क्या होता है कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा, उसके बाद है माइनस साइन टू अल्फा, फिर उसके बाद है कॉस टू अल्फा। और हमें तो ऐसा लगता है कि यह सवाल हम आपके क्या है थ्योरी में बता चुके हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना है यहाँ ए स्क्वायर निकालना है। तो आपको यह नहीं सोचना है क्या प्रूफ करना है क्या नहीं, उसे आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमको यह समझना है कि यह दिया गया है, इतना हमको लाना है, प्रूफ करना है। और यह लाने के लिए हमको क्या इसका भाई ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए गुने ए। चलिए सीधा आप क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर मतलब ए इंटू ए। अब ए इंटू ए तो आप यहाँ पर ए रखिएगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा, समझ गए ना, माइनस साइन अल्फा, फिर हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। अब इसी बात को आपको क्या करना है, फिर इसी से इसमें गुना करना है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा फिर आपका कॉस अल्फा, इस दोनों को हमको गुना करना है। गुना करने के लिए आपको क्या कहते हैं, इसके रो से इसके कॉलम में गुना होता है, फिर अपन इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से फिर इसे आपको फिर इसमें, समझ रहे? आइए फर्स्ट वाला को हम गुना करेंगे, इसके क्या है, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम में, यहाँ कॉस से कॉस में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, समझ रहे? फिर साइन से साइन में होगा तो प्लस माइनस माइनस और साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखिए ध्यान से, कॉस अल्फा से आप साइन में तो हो जाएगा कॉस अल्फा क्या है साइन अल्फा, मतलब कॉस अल्फा इंटो साइन अल्फा, फिर आपका यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ देखिए ध्यान से साइन अल्फा इंटो कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटो कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर यहाँ ध्यान से देखिए सेकेंड रो में, सेकेंड रो क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से कि साइन अल्फा से इसमें करना है तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, है ना? साइन से यहाँ कीजिएगा तो साइन अल्फा, यह क्या है कॉस अल्फा, है ना?
यहाँ ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाला से फर्स्ट में तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर यहाँ कॉस है साइन में, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर यहाँ से देखिएगा आप सेकेंड कॉलम में कीजिएगा तो साइन से साइन में, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस से कॉस में तो आपका आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको आपको क्या करना है, आगे बनाना है, आगे क्या है जो के रूप में यह डायरेक्ट क्या है फार्मूला ही है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो आप फार्मूला पढ़े होगा ट्रिगोनोमेट्री, याद कीजिए आप उस दिन को जिस दिन यह फार्मूला पढ़े होते क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिगो, समझ रहे हैं ना। इसके बराबर क्या आपको पढ़ाया था कॉस टू थीटा, इसके बराबर बहुत सारा फार्मूला पढ़ाया था, उसमें यह सबसे प्रथम फार्मूला था कि कॉस टू थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आपका क्या कॉस टू थीटा बराबर कॉस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी बात को हमको यहाँ पर रख देना है, साइन स्क्वायर अल्फा थीटा की जगह साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर क्या है, ध्यान ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको आप सीधा क्या कीजिएगा कॉस टू अल्फा, ठीक है। फिर आगे देखिए कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा दोनों सेम है, ये जुट जाएगा, जुटेगा तब क्या बनेगा ध्यान समझिएगा टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और इसके बराबर होता है क्या साइन टू अल्फा, क्या सर कैसे, तो आपको याद कीजिए साइन टू थीटा बराबर क्या पढ़ाया था टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बताए थे टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आपके इसके बराबर क्या होता है साइन टू थीटा। देखो वही बात सेम टू सेम क्या है, बस थीटा के जगह आपका अल्फा है, यहाँ क्या कीजिए थीटा के जगह अल्फा रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा क्या साइन टू मतलब अल्फा। फिर यहाँ पर आइए यह क्या आएगा माइनस में, देखिए माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यह भी है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस में, तो आएगा आपका क्या माइनस टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसके बराबर क्या हो जाएगा साइन टू अल्फा, बस आगे निगेटिव है तो आगे यहाँ पर माइनस, तो आपका क्या होगा माइनस साइन टू अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस साइन टू अल्फा। फिर यहाँ क्या है आपको कॉस पर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन में, यहाँ फिर आपका आ गया क्या कॉस टू अल्फा, जो यह आपका क्या है देख लीजिए ए स्क्वायर बराबर, और यही आपका क्या है आर एच एस, जो आपको क्या है प्रूफ करना है, समझे। इसको आप क्या कीजिए अच्छा से नोट कर लीजिए और बार बार अपना प्रैक्टिस जारी रखें ताकि आपको नॉलेज भरपूर रहे, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिए फिर अब आगे बढ़िए, देखिए आगे आपका ये आगे आपका सभी क्वेश्चन बन जाने वाला है। दस के दो में कह रहा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है, बी बराबर एक मैट्रिक्स है, सी बराबर बी एक मैट्रिक्स है, तो सो दैट ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर बराबर फिर आई टू, मतलब कह रहा है हमको क्या ए स्क्वायर निकालिए उसके बराबर बी स्क्वायर होगा फिर उसके बराबर माइनस सी स्क्वायर होगा, कहने का मतलब आप ए स्क्वायर निकालिएगा बी स्क्वायर निकालिएगा फिर सी स्क्वायर निकालिएगा, इन सभी क्या होगा बराबर होगा, उसके बाद जो जो दिया गया वो सब आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ए गुने बी है फिर माइनस बी गुने ए है, यह भी आप निकाल सकते हैं, दोनों को गुना करना है सिर्फ ए सी बराबर माइनस ए सी सी ए, यह भी आप निकाल सकते हैं, सब क्या है सिर्फ गुना करना, और आपको हम सभी पिछले वाले वीडियो को ध्यान से देखिएगा सब में एकदम मस्त आपको क्या है गुना का करने का सिखा चुके हैं। तो आप मेरा वीडियो लाइन से देखिएगा क्रम से देखिएगा, आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट्स कीजिएगा, जो भी आपका कमेंट्स होगा उसका आपको क्या है फिर आपको रिप्लाई भी मिलेगा। तो ये देखिए आगे क्या है, फिर आप क्या है क्या जब भी दिक्कत होगा आप व्हाट्सएप नंबर पर क्या कीजिएगा कॉल कीजिएगा या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 84963287 पे, तो आइए आपसे हम हमेशा जुड़े रहेंगे, आपको क्या है फिर आइए आगे इसी प्रकार सब में एस का नहीं तो एक क्यू भी आपको क्या है बना दिए थे, आप वहाँ से क्या है थ्योरी की कॉपी से देखिएगा फिर उसको बनाएगा, अगर फिर भी यदि नहीं बने या कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक या दिक्कत हो तो आप उससे क्या कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, आप हमके क्या है आपको हम सोल्यूशन करके वीडियो सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे हम भेजेंगे। आइए उसके बाद क्या है पंद्रह में क्या कर रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुणा दिया गया है इतना एंड इतना इज जीरो मैट्रिक्स, कहता है कि यह ऐसा दोनों मैट्रिक्स है कि यदि उस दोनों को 15 नंबर क्वेश्चन केसी सिन्हा 5.2 का 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यदि हम दो मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो जीरो होता है, तो व्हेन जब थीटा एंड फाई डिफर बाय द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि डिफरेंट अपर बाय द मतलब थीटा और फाई दोनों क्या है डिफरेंट है डिफर है बाय एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 15 का यह क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा 15 का सॉल्यूशन क्या होगा आपका, ठीक है 15 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका क्या होगा ध्यान से देखिए, हमको सिर्फ क्या प्रूफ करना है किसका
जीरो प्रूफ करना है आपको 15 नंबर को। देखिए ध्यान से, क्या पहले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बात लिखते हैं हम लोग ए बराबर। ए बराबर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है ध्यान से देखिए, ए बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, फिर आपका ध्यान से देखिएगा, फिर आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर आपका साइन स्क्वायर थीटा, यह आपका ए हुआ। फिर इसके बराबर एंड बी, मतलब दूसरा एक मैट्रिक्स दिया गया है बी, समझ रहे हैं, जिसके बराबर में आपको फिर क्या है मैट्रिक्स दिया गया है जो कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई है, फिर आपका कॉस फाई कैसे देखेगा इंटू साइन फाई, फिर यहाँ पर आपका कॉस फाई इंटू साइन फाई, फिर आपका साइन स्क्वायर फाई। इस यही दोनों और कह रहा है आपको क्या, इस दोनों का प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड इतना, दोनों को यदि हम गुना करें, क्या बोल रहे ध्यान समझ जाएगा, दोनों का हम गुना करें, बात समझ रहे, दोनों को गुना करें प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दोनों को गुना करें तो वह एक जीरो मैट्रिक्स आ गए, क्या है जीरो मैट्रिक्स। यदि थीटा एंड फाई दोनों डिफर है, अलग अलग चीज है, और यह क्या है मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, ठीक है। आइए देखिए क्या चीज है, हमको गुना करना, सीधा सिंपल सी बात हम जानते हैं क्या गुना करना, ए से बी में, और ए से बी में आप गुना कीजिए, देखिए ध्यान से, ए बी बराबर ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो है पहले ए के जगह ए रख दिए और बी के जगह आपका क्या है बी रख दिए, ठीक है ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ देखिएगा बी में आपका क्या है कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, समझ रहे हैं, फिर देखिएगा ध्यान से आपका कॉस फाई साइन फाई, ठीक है, उसके बाद है साइन स्क्वायर फाई। अब इस दोनों को गुना करना, यहाँ पर क्या है आपका, चलिए गौर से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर फाई, सर यह थीटा है फाई है, दोनों गुना आपस में नहीं होगा, तो आपको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे इंटू कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, फिर यहाँ इन दोनों में गुना होगा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ देखिए साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस फाइव में तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, फिर यहाँ साइन है थीटा है वो फाइव है, तो फिर आ जाएगा आपका क्या यहाँ से देखिएगा इंटू, इंटू में आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन, ऐसे फर्स्ट में गुना हो गया। अब इसी फर्स्ट रो से आपको सेकेंड कॉलम में गुना करना है, तो देखिए कॉस उसका थीटा है यहाँ पर फाइव आई है, फिर यहाँ पर फाइव, तो आपका क्या आएगा दूसरा एलिमेंट में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाइव इंटू साइन फाइव प्लस, फिर यहाँ देखिएगा संगत से गुना करना है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, समझ रहे हैं, फिर ध्यान से देखिएगा लंबा लिखा है वैसे डरना नहीं है भाई, आपको घर पर आना नहीं है, आप अपना विधि पूर्वक काम कीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आइए धैर्य के साथ काम कीजिए। फिर यहाँ सेकंड हो से इसमें आइए cos थीटा से यहाँ कितना की जगह है ना, देखिए यहाँ cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर फाइव, ठीक है, फिर प्लस प्लस यहाँ गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर क्या है थीटा, फिर यहाँ cos फाइव इंटू साइन फाइव, ठीक है, फिर यहाँ देखिए इसको इससे गुना करना था साइन से इसमें, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए क्या आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू इंटू में फिर कॉस फाइव, समझ रहे इंटू साइन फाइव, ठीक है, अब यहाँ कॉस साइन स्क्वायर थीटा फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर देखिएगा यहाँ आपको साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, अब यही चीज आया हुआ है और हमको कह रहा है कि यह सब जो है एक जीरो मैट्रिक्स है, कहेगा सर अभी तो थीटा फाइव है तो न कोई फार्मूला पे है न ही इसमें कुछ मान दिया हुआ है, आप कैसे कह रहे हैं कि यह जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, तो
यहाँ बहुत ही इसमें मजेदार बात दिया गया है, आपका यह मजेदार बात क्या है जो ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि यदि यह दोनों को गुना करें तो जीरो मैट्रिक्स है, कब तो हुए जब थीटा एंड फाइ, थीटा एंड फाइ क्या है, थीटा और फाइ आर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री करने का मतलब उसमें लिखा हुआ है पाई बाई टू, मतलब पाई बटा टू को हम लोग कहते हैं 90 डिग्री, और ये अभी कह रहा है कि ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यह जो दिया गया है आपका थीटा और फाई, वह कह रहा है कि वहां पर कोई ऐसा है उसका मान कि वह ऑड है और किसका मल्टीपल तो 90 डिग्री का, तो आप सोचिए कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई, जीरो, समझ रहे, उसके बाद सोचिए फिर 90 और दूना नहीं बात तीन, मतलब ऑड मल्टीपल, तो 9 3 27 270 डिग्री का मान कितना है, फिर वही जीरो, समझ रहे, यदि फिर आपको क्या 94 चार पर नहीं पाँचवा पर जाइए तो 9 5 45 फिर आपका क्या आएगा 450, फिर उसका मान निकालेगा तो आपको क्या आएगा 0 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के मान जो है उसके ऑड मल्टीपल के एकदम क्या होता है सेम होता है, जब वह सेम होगा तो मतलब उसका मान होता है क्या तो 0 होता है, तो इसी प्रकार से यहाँ आपका कॉस में क्या होगा 0 और साइन 90 का मान 1 होता है, तो देखें यहाँ कॉस 0 रखे यहाँ पर क्या होगा 90 के मल्टीपल कोई भी रखिएगा, कोई भी रखिएगा कह रहा है मल्टीपल ऑफ 90 ऑड मल्टीपल, जब भी आप ऑड मल्टीपल रखिएगा तो यह क्या होगा थीटा रहे या फाइव दोनों के बारे में कह रहे कि अलग अलग, मतलब यह एगो पाई बाई टू है, 3 पाई बाई 2 है और एगो 5 पाई बाई 2 है, यही दोनों ले लीजिए कोई ऑड मल्टीपल, या आप यह दोनों ले लीजिए 7 पाई बाई 2 और 9 पाई बाई 2, कोई भी दो का अलग अलग ऑड मल्टीपल है, तो कोई भी दो का रखिएगा आप इसका मान क्या होगा 90 के बराबर, जब कॉस इसके साथ लगाएगा ये सब से किसी के साथ वो क्या 100% 0 ही आएगा, तो आपका क्या होगा यहाँ पर सीधा लिखेगा यह 0 फिर यहाँ यह 0 तो सब 0 यहाँ 0 प्लस फिर 0 फिर यहाँ 0 समझ रहे हैं, और फिर यहाँ साइन है 1 रहेगा तो साइन का तो 1 है तो 0 से गुणा है तो फिर कोई फर्क पड़ा नहीं, तो फिर यहाँ क्या आपको 0 रखेगा फिर यह 0 होगा फिर इसका मान रखेंगे तो 0 का मतलब आपको यह इमेजिन करना है कि 0 आ जाएगा फिर यह 0 यह 0 और यह 0, यही आपका क्या हो गया प्रूव हो गया कि जब आपको क्या है कि वेयर थीटा एंड फाई आर ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू, कि पाई बटा टू का यह क्या है ऑड मल्टीपुल है, समझ रहे हैं, जब भी ऑड मल्टीपुल की जगह तो सीधा क्या होगा 0, तो इस चीज़ को क्या कीजिए कॉपी में आप अच्छी तरीका से नोट कर लें, तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में आपका सभी सवाल बन जाएगा इस चैप्टर का, आप डायरेक्ट हम आते हैं कहाँ पे तो 36 नंबर क्वेश्चन भी आपके थ्योरी में बना चुके हैं, वहाँ से आप पीछे से रिवीजन कीजिएगा फिर बनाइएगा, यदि फिर हमसे हम बोल रहे हैं यदि फिर भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, हम आपको पर्सनली वीडियो भेजकर हल कर देंगे, या हो सकता है कि जो आप भेजिएगा ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे उसका ए टू जेड का आपको फिर यूट्यूब पर ही वीडियो बनाकर डाल देंगे, लेकिन आप हमको बताइए कहाँ पर क्या दिक्कत हुआ, समझ रहे हैं, जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे भाई मेरे, आप जरा हमको सूचित कीजिए, आप कॉल कीजिए बताइए कि क्या सर हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम कैसे पढ़े घर पे, हमें बहुत सारे मतलब हम लोग खेलने चल जाते हैं या ऐसे कोई भी आपको बात है वो सभी समस्या का आप हमसे शेयर कीजिए, तब तो हम आपके उस समस्या का समाधान हल कर पाएंगे, समझ रहे हैं, आपका जो आज का मेहनत होगा वो कल के भविष्य तय करती है, इसलिए आप क्या कीजिए आज मेहनत कीजिएगा तो कल आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपके नॉलेज जो होगा वो आपके कभी भी साथ में रहेगा, बचपन में आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं कि विद्या धन ऐसा धन है कि जो कोई नहीं बांट सकता है, नहीं क्या है कोई चोर चुरा सकता है, नहीं कोई डकैत छीन सकता है, समझ रहे हैं, और नहीं कोई क्या है आपको जो आपको वह जो माइंड में जो बात आपके पास आ जाएगा जो आप मेहनत कीजिएगा वह मेहनत से आपको ओनली फॉर आपको क्या होगा बेनिफिट होगा, आपका परिवार सुख रहेगा,
दूसरा आपसे कोई नहीं आपसे ले सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए, जम कर डट कर मेहनत कीजिए। जो भी दिक्कत होता है मेरा भाई, तो आप मुझे कॉल कीजिए ताकि हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सके और अच्छा और मतलब क्या है और डिटेल से हम आपको उसको विस्तार कर सके और अपने मेहनत को और ज़्यादा विस्तारित बनाए। ठीक है, तो चलिए फिर आगे की बात करते हैं। आपको आगे क्वेश्चन है आपका 36 का 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बाकी सभी हम वीडियो में बना चुके हैं क्वेश्चन सब, समझ रहे हैं, उस टाइप का क्वेश्चन सब बनाया, बनाएगा नहीं बनेगा तो फिर हमको कॉल कीजिएगा। आइए देखिए क्या है आपका 36 का 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इफ ए बराबर मतलब ए बराबर यहाँ पर दिया गया है 3, 1, -1, 2, यह एक मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर कहता है सो डेट यह दिखाइए कि ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i बराबर क्या है 0 है। यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए इनवर्स, यह भी कह रहा है एंड फाइंड ए इनवर्स, यही बात हमको कह रहा है निकालने के। पहले तो कह रहा है कि ए बराबर यह एक मैट्रिक्स है 3, 1, -1, 2 एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यह सो डेट प्रूफ कीजिए ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i बराबर 0। इतना हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब उसके बाद आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपको कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर ए स्क्वायर इतना प्रूफ कीजिए, उसके बाद हमको क्या है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए आपका, ए इनवर्स क्या होगा, समझ रहे हैं कि ए इनवर्स क्या होगा यह आपको निकालना है। तो आइए देखिए हम आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा, आपको कह रहा है ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या है लिखने का तरीका है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, आपको आसान होगा। ए बराबर 3, 1, -1, 2 फिर यहाँ इतना हमको लाना है, समझ रहे, तो यह इसमें से आपके आर एच एस को हटा दीजिए बराबर 0 को और इसको लिख दीजिए एल एच एस। अब यहाँ एल एच एस ए स्क्वायर है तो ए के जगह मान रखिए 3, 1, -1, 2 ए स्क्वायर मतलब होता है ए गुने ए, फिर यहाँ 3, 1, -1 और 2 -5 समझ रहे हैं, -5 है तो 5, फिर ए के जगह आप ए का मान रख दीजिए, सिंपल सी बात है, उसको हटाइए और उसके मान को बैठाइए, फिर +7i समझ रहे हैं, फिर i क्या है 2/2 का तो 1, 0, 0, 1 यही है। अब इसको आपको हल करना, उससे पहले यहाँ गुना करना, आइए गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट से फर्स्ट कॉलम देखिए 3, 3 जा 9 फिर यहाँ 1 से -1 में तो -1 फिर यहाँ 3 से 1 में तो 3 होगा 2, 1 जा 2 यहाँ से देखिएगा, फिर -1 और 3 समझ रहे, तो -3 2 से -1 में तो -2 फिर -1 से 1 में -1, 2, 2 जा 4 आपका यह मल्टीप्लीकेशन, फिर 5 से यहाँ गुना कर दीजिए 5 किया हो जाएगा आपका 15 5 एक 5 फिर यहाँ -5 5 दूना 10 यह फिर आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पर 7, 0, 0, 7। अब इस सभी को हमको ऐड करना है, आइए ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 9 में से 1 तो 8 3, 2, 5 यहाँ फिर -5 यहाँ घटेगा तो होगा आपका 3 क्योंकि -1, 4 है, फिर माइनस समझ रहे हैं यहाँ क्या आपका माइनस, यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या 15, 5 -5, 10 फिर यहाँ प्लस यहाँ से देखिएगा 7, 0, 0, 7 उसके बाद क्या है ध्यान समझिएगा, इस तीनों को मतलब इस दोनों को जोड़ना है इसको घटाना, क्योंकि यहाँ पे माइनस, आइए संगत एलिमेंट फर्स्ट वाला को क्या करना हमको, आइए तो 8 है यहाँ -15 है ना, यहाँ देखिएगा ध्यान से यह 8 है ये -15 है, क्या है ये 8 ये -15 और यहाँ पर फिर ध्यान देखिए ये 8 और यह 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा, ये माइनस में है मतलब आ जाएगा आपका 0। फिर ध्यान से देखिए यहाँ 5 है यहाँ तो 0 है यहाँ फिर 5 है माइनस है तो 5 में से 5 घटेगा फिर आपका 0। फिर ध्यान से देखिएगा -5 ए -5 + 5 यहाँ फिर 0 जाएगा यहाँ पर भी 0 क्योंकि -5 + 5 फिर देखा 3 है तो और यहाँ 7 है यह दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ये माइनस इसमें गुना था -10 यह आपका क्या जाएगा 7 और 3 10 यहाँ -10 आपका फिर आएगा 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था जो आपको आर एच एस था। तो मेरा क्या हो गया कि हैंस मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस आपका आ गया, कहने का मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a समझ रहे +7i इक्वल टू 0 यह आपका तो प्रूफ हो गया। बस इतना ही पर ही रुकना है, फिर कहता है फाइंड ए इनवर्स मतलब नाउ अब ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, तो
अभ्यास देखें, कुछ नहीं है। अब फाइंड नाउ ए इनवर्स, तब ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना है, जो दिया था वो पहले लिख दीजिए। ए स्क्वायर है ठीक है, माइनस फाइव ए फिर प्लस सेवन आई बराबर जीरो, यही बात दिया गया। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यहाँ से देखेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, मल्टीप्लीकेशन बाय, हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बाय किससे, ए इनवर्स से, समझ रहे, ए इनवर्स से ऑन बोथ साइड दोनों तरफ। आपका यह क्या है, इतना प्रूफ करना था, इसको हम लोग प्रूफ कर दिया। मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम ए इनवर्स से क्या करेंगे, गुना करेंगे। और जब दोनों तरफ हम गुना करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर गुना करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है तो ए इनवर्स इंटू ए को हम ए लिख सकते हैं, फिर एक ए, इसको एक साथ ठीक है। फिर यहाँ देखिए माइनस फाइव ए इंटू ए इनवर्स ठीक है, इसको एक साथ। फिर देखिएगा प्लस सेवन आई इंटू ए इनवर्स, ध्यान से देखिएगा बराबर जीरो इंटू ए इनवर्स, कहीं पे कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए देखिए फिर आपका ए इनवर्स आए, आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में पढ़ाया हम लोग, ए इनवर्स गुने ए बराबर वन, वन मतलब आई, जैसे कि आपको फाइव गुने वन बटा फाइव काट के क्या होता है वन, एक सीधा और एक इनवर्स मतलब उल्टा, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं हम लोग, समझे, इनवर्स का हिंदी होता है व्युत्क्रम। या दोनों को यदि आप गुना की जाएगा तो क्या आता है, वन आता है, तो मैट्रिक्स में आई आता है। तो आइए इसी प्रकार से आपका क्या है, यहाँ पर यह बन जाएगा आपका I into A minus यह फाइव, यह क्या बन जाएगा I, फिर यहाँ पर प्लस सेवन, फिर यह बन जाएगा A इनवर्स बराबर में जीरो है तो जीरो रहेगा, क्योंकि जीरो इंटू ए इनवर्स जीरो ही होगा। अब याद है इस सब में A इनवर्स किस पे है, तो सेवन A इनवर्स है, बाकी सबको उस साइड ले जाइए और सिर्फ A इनवर्स वाला को इधर रखिए। ध्यान से देखिए I गुने A तो I माइनस फाइव आई तो आई ही रहेगा, प्लस सेवन A इनवर्स बराबर क्या है जीरो, तो जीरो। अब इसको हम इधर रखेंगे सेवन ए इनवर्स, अब यह ए को उधर ले जाएंगे ठीक है, तो पहले माइनस में फाइव आई, फाइव आई को उधर ले जाइए प्लस आई हो जाएगा, यह ए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब उसका मान डाल दीजिए ठीक है, तो सेवन ए इनवर्स इक्वल टू फाइव, आई का मान क्या है यहाँ पर ए टू बाई टू का, तो आई जो रखिएगा टू बाई टू का तो वन जीरो जीरो वन, फिर माइनस ए, ए का जो वैल्यू रखिएगा आप, ए का वैल्यू देखिए क्या है थ्री वन, फिर क्या है माइनस वन और टू। अब इस दोनों का आपको हल करना है, आगे बढ़ना है, देखिए घबराइएगा कभी नहीं, मैथमेटिक्स में जब बनाइएगा तो धैर्य साहत के साथ ही बनाइएगा, देखिए दूसरा विषय नहीं कि आप प्रोडक्ट लीजिएगा, थोड़ा आप कॉन्शियस रहिएगा, मन से पढ़िएगा, बस आपका क्या है बन जाएगा। यहाँ फाइव से गुना किया फाइव जीरो जीरो और फाइव बन जाएगा, फिर यहाँ माइनस है ठीक है थ्री वन माइनस वन और टू। अब इस दोनों को हल कीजिएगा, फाइव में से थ्री घटाइएगा टू आएगा, जीरो में से एक तो माइनस एक आएगा, जीरो में से माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, फाइव और माइनस टू तो फाइव में से दो घटेगा तो थ्री। यहाँ आपका क्या है सेवन ए इनवर्स बराबर आया है, तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा, तो ए इनवर्स इधर सेवन में है समझ रहे क्या, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो वन बाई सेवन, मतलब इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, क्योंकि साइड चेंज तो साइन चेंज होता है ठीक है। आइए कहीं पर कोई दिक्कत नहीं ना, आइए मजा आता होगा आपको पढ़ने, ऑफलाइन से ज्यादा मजा आता होगा, ध्यान से देखिएगा एकदम सिर से बता रहे हैं, सेवन है गुना कर दीजिए तो टू बाई सेवन, फिर यहाँ गुना माइनस वन बाई सेवन, फिर सेवन से यहाँ तो वन बाई सेवन, फिर यहाँ देखिए थ्री में मल्टीप्लाई कीजिएगा वन बाई सेवन से तो थ्री बाई सेवन, यही आपका क्या होगा ए इनवर्स हो गया, यही आपका आंसर अंत में लिख दीजिए क्या, हेंस मतलब अतः ए इनवर्स बराबर आपका हो गया टू बाई सेवन माइनस वन बाई सेवन, वन बाई सेवन थ्री बाई सेवन, यही आपका आंसर होगा। तो आप अच्छे से तरीके से आप क्या कीजिएगा, पूरा वोल्टा बुझा रहा है आपको, यह पहले था यह भी कि थोड़ा खराब बनता था लेकिन आपको ये ऐसा दिक्कत उकत है नहीं, तो आप मन से पढ़िए ठीक है, आप अपने गोल को अचीव कीजिए। थैंक्स फॉर